एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने कहा 1947 की जो आज़ादी मिली थी उसकी तुलना भीख से कर दी है, तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। भीख से कोई आज़ादी मिलती है? आज़ादी तो लड़के मिले, तो ये जो शहीद हुए उस टाइम पे उनका अपमान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, इतिहास पढ़ देना चाहिए उनको जी। तो इतिहास पढ़ना जरूरी है जी। और जो आज मीटिंग हो रही है इसका थोड़ा सा और बता, इसमें ये है कि जो 22 तारीख की मीटिंग होगी लखनऊ में, 26 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, एक साल हो जाएगा जी। और 29 तारीख से दिल्ली में 500 लोग इस बॉर्डर से जाएंगे जी। और 500 टिगरी बॉर्डर से जाएंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, तो उस पर है वो ट्रैक्टर से लोग जाएंगे जी। ठीक है, एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने कहा 1947 की जो आज़ादी मिली थी उसकी तुलना भीख से कर दी है, तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। भीख से कोई आज़ादी मिलती है? आज़ादी तो लड़के मिले, तो ये जो शहीद हुए उस टाइम पे उनका अपमान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, इतिहास पढ़ देना चाहिए उनको जी। तो इतिहास पढ़ना जरूरी है जी। और जो आज मीटिंग हो रही है इसका थोड़ा सा और बता, इसमें ये है कि जो 22 तारीख की मीटिंग होगी जी लखनऊ में, 26 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, एक साल हो जाएगा जी। और 29 तारीख से दिल्ली में 500 लोग इस बॉर्डर से जाएंगे जी। और 500 टिगरी बॉर्डर से जाएंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, तो उस पे है वो ट्रैक्टर से लोग जाएंगे जी। ठीक है, एक